हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि GCE। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एडमिशन चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल तक कवर किया था और आज की क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को कवर करेंगे, मतलब एक पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है और जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है, मतलब कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो प्रेजेंट वैल्यू है या फिर एट द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जो एसेट्स और लाइबिलिटीज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, उस वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन द सर्कमटेंसेज, या फिर आप ऐसे बोले कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, किसी भी पुराने पार्टनर को या नए पार्टनर को ना तो फायदा होना चाहिए ना नुकसान होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा ही सिंपल है। इसके डेबिट साइड में जितने भी लॉसेस होते हैं उनको हम लोग लिखेंगे और इसके क्रेडिट साइड में जितने भी फायदे होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो लॉस और फायदा होगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड 80,000 की, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू 70,000 है, तो यहाँ पर 10,000 का लॉस हो रहा है, तो हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम वहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे टू बिल्डिंग, सिंपली लिख देंगे टू बिल्डिंग 10,000 डेबिट साइड में। तो इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लॉस हुआ है। मतलब जब कभी भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के प्रॉपर नेम से हम बनाएंगे, कहीं भी प्रॉफिट या लॉस ऐसे करके नहीं लिखते हैं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलेगा तो उसको हमें क्रेडिट साइड में लिखना है और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ मिलेगा तो उसे हम लोगों को डेबिट साइड में लिखना है। फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं और उससे जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं। मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर जो है वो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर को रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। आइए हम लोग ऐसा करते हैं कि रिवैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये है वो क्वेश्चन, इसमें देखिए डब्ल्यू और आर पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनकी बैलेंस शीट जो है वो आप देखिए ध्यान से देख लीजिए। बैलेंस शीट 31/3/2016 को बैलेंस शीट है। सिंडिकेटर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये जनरली आपको एसेट साइड में डेटर में से माइनस करके दिखाया जाता है, लेकिन अब की बार लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। और इसके बाद तो जब कभी भी आपको कोई प्रोविजन मिलेगा ना तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि डेटर पे अगर कोई प्रोविजन मिलेगा तो उसको आपने लिखना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय प्रोविजन ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप लिख सकते हैं। अगर प्रोविजन को आपको क्रेडिट साइड में नहीं लिखना तो आप न्यू प्रोविजन जो बनेगा उसके डेबिट से भी आप इसको माइनस कर सकते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा इसके बारे में। उसके बाद देखिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है और जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं भी नहीं लिखा जाता। इधर एसेट साइड में अगर बात करें तो कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है और प्लांट एंड मशीनरी है। तो इन्हीं की वैल्यू को हमें नीचे के एडजस्टमेंट से हमें कंपेयर करना है। सी कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000 रुपये और आप देखेंगे 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन यहाँ देखिए आप डेटर जो है वो 1500 का रिटर्न ऑफ करना है एज ए बैड डेट्स और 5% का प्रोविजन भी बनाना है, तो ये एक प्रकार का लॉस है, तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर इसके नाम से भी लिख सकते हैं, टू डेटर्स के नाम से लिख सकते हैं, इससे ये पता लग जाएगा कि डेटर पे कुछ नुकसान हुआ है, या फिर आप चाहें तो टू बैड डेट्स टू प्रोविजन इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेटर में 1500 का बैड डेट्स हुआ है तो पहले आपको डेटर में 1500 रुपया माइनस करना होगा एंड देन जो आएगा उसका फिर आपको 5% बनाना होगा। ये आपने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा होगा पहले भी, 11th क्लास में अगर आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा हो मे बी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक बार अच्छे से, जो डेटर है उसका फिगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, हालांकि आपको कैलकुलेटर शायद अलाउ नहीं है आपके स्कूल में आई थिंक। देखिए यहाँ पर देखिए आप डेटर 1500 विल बी रिटन ऑफ एज ए बैड डेट्स और प्रोविजन जो है 5% क्रिएट किया जाएगा वो भी डाउटफुल डेट्स का। तो डेटर जो है आप देखिए 18,000 है, तो पहले आपको करना क्या है, 18,000 में से आप
1500 रुपया माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 16,500, और फिर 16,500 का 5% निकालेंगे तो इनटू में 5% तो 825, ये न्यू प्रोविजन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, सो एक तो आप 1500 रुपया बैड डेट्स प्लस 825 आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से आप ओल्ड प्रोविजन भी माइनस कर सकते थे, ये जो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है ना उसको आप यहाँ से भी माइनस करके दिखा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जनरली क्रेडिट साइड में लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 2325, और सिंपली मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि आप 2325 को आप अंदर लिख कर उसमें से पुराना प्रोविजन 2000 माइनस कर सकते थे। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ करना है तो इससे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर पे ऑफ हो गया तो इससे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं, हमें इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या है, स्टॉक जो है उसको डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो स्टॉक 20,000 का है और 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, ये लॉस हुआ। प्लांट एंड मशीनरी से भी आपको डेप्रिशिएशन है तो लॉस ही हुआ है, तो इन सब को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक एक करके। जितने भी लॉस हैं उनको आपने डेबिट में लिखना है और जितना भी फ़ायदा होगा उनको आपको क्रेडिट में लिखना है। बस ये याद रखना है कि यहाँ पर लॉस प्रॉफिट ऐसे नहीं लिखा जाता, जो एसेट्स हैं उनका सिंपली आपको नाम लिखना है। जैसे देखिए, मैंने स्टॉक लिखा है, टू फर्नीचर लिखा है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नहीं लिखा, सिंपली लिख दिया फर्नीचर, और टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं लिखा, सिंपली प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो स्टॉक पे जो लॉस हुआ है वो आप लिख दीजिए, जैसे 2000 आएगा, फर्नीचर का तो गिवन ही है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए 500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का जो है उसको भी हम लोगों को परसेंट अभी निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8% अगर निकालें हम लोग तो 3200 आ जाएगा। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, स्टॉक था 10% का, उसके बाद फर्नीचर 500 था और प्लांट एंड मशीनरी 8% का था, तो 2000 हो गया, और फर्नीचर जो है 500 तो अमाउंट में गिवन है, उसके बाद मशीनरी जो है वो 8% का गिवन है। तो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला चलते हैं, इन्वेस्टमेंट 2500 जो है नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। अब ये देखिए, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं था, तो ये एक प्रकार का फ़ायदा हो गया। तो फिर हम लोग लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 2500, ये एक प्रकार का फ़ायदा है, इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्रेडिटर है 2100 का, जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया, ये एक प्रकार का आपका लॉस है, तो इसको आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। इस क्रेडिटर से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग ही क्रेडिटर है जिसको हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, या सिंपली आप लिख दीजिए टू क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं 2100। इसके बाद फिर आपको इस अकाउंट को बैलेंस करना है, और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आपको बांटना है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं इसको एक बार बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पर तो 4500 आ रहा है और डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो आई थिंक लॉस होगा, तो 2325 प्लस 2000 प्लस 500 और ये 3200 और प्लस 2100, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। ये पहले मैं टोटल लिख लेता हूँ 10125, इधर भी लिख लेता हूँ, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 4500, तो 4500 अगर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5625, तो ये हो गया लॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और इस लॉस को पुराने पार्टनरों के बीच में, पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। इस लॉस से न्यू पार्टनर को कोई लेना देना है नहीं, तो पुराना पार्टनर है W और R, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, तो उसमें हम लोग इसको बांट देंगे। तो W हो गया, यहाँ पर लिखेंगे W's कैपिटल, और यहाँ पर लिखेंगे R's कैपिटल, और अगर कैपिटल फिक्स होगा तो आप यहाँ पर करंट लिखिएगा कि W's करंट अकाउंट, R's करंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो 5625, और फिर इस 5625 को हम लोगों को 3:2 में बांटना है, तो 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3375, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2250। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, और इसका एक बार आप खुद से भी बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे।
एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, लाइबिलिटीज एसेट्स आपने देख लिया, ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा करना है। मशीनरी स्टॉक डेटर कैश सब चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। जेड पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है 1/4 के लिए, और उसके बाद देखिए जेड जो है कैपिटल 1,20,000 रुपया लेकर आएगा और 20,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से, उसके बाद लैंड 10% से इसको डेप्रिशिएशन लगाना है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, लॉस है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट होनी है, तो इसका मतलब फ़ायदा हो गया, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे। स्टॉक को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है ये एग्ज़ाम में बहुत गलती होती है। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्टॉक से फ़ायदा है, नुकसान हुआ वो, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड लिखा हुआ था। और प्रोविजन और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000। तो इस क्वेश्चन को अब अगर हम लोग करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे करेंगे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। स्टेप ऐसा ही रहेगा, पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हालांकि कह नहीं रहा जर्नल एंट्रीज करने के लिए, नहीं तो हमें जर्नल एंट्रीज भी करना पड़ता। तो ऐसा करते हैं जर्नल एंट्रीज को स्किप कर देते हैं हम लोग, सबसे पहले ऐसा करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ऊपर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में टोटल, अगर 12th के एग्ज़ाम में बात करें CBSE में, तो ये तो 8 मार्क्स का आता है। अब आपके अगर अदर बोर्ड होगा तो पता नहीं कितने मार्क्स का आता है, मुझे CBSE का तो पता है ये 8 मार्क्स का आता है। तो देखिए इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है 3:2 है, और जो जेड आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। तो आई होप आपको याद होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, और अगर आपको याद नहीं है या नहीं आता है तो आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको आप देख लीजिए, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वहाँ पर मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सेकेंड पार्ट में है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, और थर्ड पार्ट में अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पूरा का पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द प्रॉफिट बी 1 कर लिया और उसमें से जेड का शेयर हटा दिया, यानी कि प्रॉफिट रिमेन आफ्टर जेड शेयर, तो 1 में से 1/4 माइनस किया तो 3/4 आया। अब ये 3/4 जो है वो एक्स और वाई का कंबाइंड शेयर है, कंबाइंड मतलब जोड़कर दोनों का मिला जुला शेयर है, तो इसको हम लोग बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। सो इस तरीके से आ जाएगा 9/20। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल हिस्सा 20 है, उसमें एक्स को 9 रुपया मिला। अब ऐसे ही वाई का भी आप निकाल लीजिए, तो वाई का जो है वो 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, तो आप देखिए यहाँ पर भी 20 आया। तो 20 में आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स को 9 रुपया मिल रहा है और वाई को 6 रुपया मिल रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 20 में 9 रुपया एक्स को मिला और 20 में 6 रुपया वाई को मिला, तो 9 और 6 15 हो गया, तो बचा कितना 5, वही 5 रुपया जेड को भी मिलेगा। या फिर आप अलग से भी इसको कर सकते थे, आप को पता ही होगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होगा, सन यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो एक्स का ओल्ड रेशियो आप निकालेंगे तो वही आएगा, फिर भी निकाल के दिखा देना चाहिए एग्ज़ाम में। तो 3/5 में से अगर 9/20 माइनस करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 3/20 ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर 12 में से 9 माइनस करें तो 3/20, और अगर y का निकालेंगे तो क्या होगा 2/5 माइनस 6/20। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है वो 20 और 4 2 8 माइनस 6 इक्वल टू 2/20। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आ गया 3:2। अब प्रीमियम जो लेकर आया है जेड, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग बांटेंगे। ये अभी मैं आपको कैपिटल अकाउंट में बनाकर दिखाऊंगा। अब हम लोग बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जो पहला स्टेप है वो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अगर क्वेश्चन कहेगा जर्नल एंट्रीज करने के लिए तो आपको थर्ड स्टेप में जर्नल एंट्रीज करना है, लेकिन क्वेश्चन कह नहीं रहा जर्नल एंट्रीज करने के लिए तो मैंने स्किप कर दिया। हालांकि मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखा दूंगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लाइन वाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर आपको स्केल से करना चाहिए ड्रॉ, भले ही आपके हाथ से कितनी भी सीधी होती हो फिर भी आपको स्केल से करना चाहिए ड्रॉ, कभी कभी हल्की सी तिरछी हो जाती है हाथों से। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको बस एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंपेयर करना होता है।
तो मशीनरी अकाउंट आप देखिए, मशीनरी है 80,000 का, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है तो लॉस हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी 80,000 का 10% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 8,000। इसके बाद अगला जो है उसमें आप देखिए बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो एप्रिसिएट हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग इज़ एप्रिसिएटेड बाय 30,000, तो ये तो फ़ायदा हो गया। एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीमेंट होना, तो फ़ायदा हो गया, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 से अब चला गया, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर 130,000 रुपया लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड था 20,000 से, मतलब स्टॉक की वैल्यू गलती से 80 की जगह 100,000 हो गई थी, ओवर वैल्यूड इसी को कहते हैं। तो 20,000 का नुकसान होगा अगर हम उसके मूल्य को सही करेंगे तो, और प्रोविजन 5% डेटर पे बनाना है तो ये भी एक प्रकार का नुकसान है। इसका ये मतलब है कि डेटर जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, ये जो 5% वाले हैं ये अब हमें पैसा देने वाले हैं नहीं। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 बकाया सैलरी है जो हमें भुगतान करना होगा, तो ये भी एक प्रकार का नुकसान है, तो इसको भी हम लोग डेबिट में ही लिखेंगे। इसके अलावा अब तो कुछ है नहीं, ख़त्म। अब इसको आप बैलेंस कीजिए तो डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है, 20 और 28 2 30 5 35, तो 5,000 का नुकसान साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो केवल और केवल पुराने पार्टनरों में पुराने रेशियो में बटेगा, तो एक्स और वाई के बीच में ओल्ड रेशियो में ये बट जाएगा 5,000 रुपया, तो सिंपल है। 3,000 और 2,000 जो है वो होगा। अब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको जो अगला स्टेप है उसमें आपको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर आपसे जल्दी बन जाएगा। अगर ये 8 मार्क्स का आता है तो फिर आपसे ये 25 मिनट्स में बन जाना चाहिए किसी भी हालत में, मतलब आपको प्रैक्टिस। अभी तो जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो 40 मिनट्स तक लग जाएगा, लेकिन फिर आपको ये बना लेना है, मतलब आई थिंक 20 मिनट तक में तो बन जाना चाहिए। आप देखिएगा कैसा होगा। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, कितने पार्टनर्स हैं उनका आपको ऐसे करके जो अमाउंट है वो पार्टनर्स का होगा। यहाँ पर देखिए नाम लिखना है, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं तो मैंने 3 कॉलम डाल दिए हैं यहाँ पर, एक है एक्स, एक है वाई, एक जेड। इसमें आप अमाउंट नहीं लिखना है, इसमें आपको पार्टनर का नाम लिखना है। इसके बाद इधर भी 3 आपको डालना होगा, तो ये एक्स का मैंने ले लिया, ये वाई का ले लिया और ये जेड का। कॉपी थोड़ी सी आपकी चौड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर छोटी कॉपी में ये बन नहीं पाता। आप चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन वो बेकार है, मेहनत बेकार होगा, एक जगह क्यों ना बनाया जाए, इससे टाइम बचेगा आपका। बहुत सारे बुक्स में ना अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, बट आप कंबाइंड ही बनाना। इसमें स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ऊपर में बाय बैलेंस ब्राउट डाउन लिखना है, इसमें केवल एक्स और वाई का पुराना कैपिटल आएगा। उसके बाद आपको बाय बैंक लिखना है या फिर आप बाय कैश भी लिख सकते हो, और इसमें जो नया पार्टनर है जो कैपिटल लेकर आया वो लिखना है। उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जनरली आएगा ही आएगा, वो एक्स और वाई को ही मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसमें पुराना कैपिटल एक्स और वाई का जो है 180,000 है और उसके बाद 70,000 है, इसको यहाँ पर लिख देंगे 180,000 और फिर उसके बाद 70,000। इसके बाद जेड पैसा लेकर आया है कैपिटल का 120,000 और प्रीमियम का 20,000, इसको हम लोगों को लिखना है। तो जो जेड कैपिटल लेकर आया है वो कितना लेकर आया है, 120,000, तो इसको यहाँ पर 120,000। स्टेप यही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। और इस 20,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया था 3:2 उसमें पुराने पार्टनरों को मिलेगा, या फिर आप ऐसा कहें जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है केवल उसी को मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस 20,000 को हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो 3:2 है तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, तो 3 इसको अगर आप बांटे तो एक का अगर x का 12,000 आता है तो इसका मतलब y को 8,000 मिलेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन का अगर लॉस है तो डेबिट आएगा, लेकिन अगर फ़ायदा होता तो क्रेडिट, उल्टा ट्रांसफ़र होगा रिवैल्यूएशन का। तो फिलहाल लॉस है तो लॉस को डेबिट में, अगर प्रॉफिट होता तो उसको हम लोग क्रेडिट में। लेकिन इसको न्यू पार्टनर को इसको कोई लेना देना नहीं है, सारा चीज़ पूरा ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, मतलब ये जो लॉस है ये ओल्ड पार्टनर को ही सहना है, न्यू पार्टनर को नहीं सहन करना है।
इसके बाद क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स ढूंढना है। तो लाइबिलिटी साइड में आपको जनरली रिजर्व मिलेगा, जैसे देखें नीचे वाले क्वेश्चन में रिजर्व है, अगर ये 5000 होता तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते, बट इस क्वेश्चन में है नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि डेबिट साइड में क्या आएगा, तो रिजर्व और डेबिट साइड में लॉसेस आएगा और क्रेडिट साइड में जो है रिजर्व आएगा। ठीक है, डेबिट में लॉस आएगा और जितने भी रिजर्व होंगे उनको क्रेडिट में आपको लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग सारा एडजस्टमेंट कर दिया है। तो अब इस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज, और इसका बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे। सो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लग रहा है आपको ये कैपिटल अकाउंट, आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग टोटल करें तो ये आ जाएगा 1,92,000, ये 78,000, और जो जेट है उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 1,20,000 का बीसी रहेगा। अब इसमें से 1,92,000 में से जो लॉस है रिवैल्यूएशन का उसको आप माइनस कर लीजिए, 78,000 में से भी लॉस रिवैल्यूएशन का जो वाई का है उसको आप माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन हो गया। 1,92,000, 1,92,000, इसमें से 3,000 आप माइनस कीजिए तो आ जाएगा 1,79,000। इसको मैं माइनस कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1,89,000, और 78 में से अगर 2,000 चला जाएगा तो आ जाएगा 76,000। और जेड को तो कोई नुकसान हुआ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जेड नया है अभी। अब इस बैलेंस कैरेट डाउन को हम लोगों को बैलेंस शीट में लिखना है, यानी कि हम लोग बनाएंगे अब रिवाइज बैलेंस शीट, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एडमिशन का जो क्वेश्चन है उसका लास्ट स्टेप होगा। मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और आप ध्यान रखना कि इसके नीचे डेट जरूर लिखना, जो भी डेट होगा। कभी कभी क्वेश्चनों में 31 या 31 मार्च होता है, या कभी कभी क्वेश्चनों में 1 अप्रैल भी होता है। तो फिलहाल मेरे क्वेश्चन में जो है वो 31 मार्च है, तो आप 31 मार्च भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या 1 अप्रैल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज एट मैं ऐसा करता हूँ 1 अप्रैल लिख देता हूँ, 2014 है तो 2014, आप 31 मार्च 2014 भी लिख सकते थे। ये आ जाएगा एसेट्स, और यहाँ पर अमाउंट आपको लिखना है, एंड देन यहाँ पर भी आपको अमाउंट ही लिखना है, और इधर आ जाएगा लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ साइड में ध्यान से आप देखना कि कैसे करके बैलेंस शीट बनाया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल ऊपर में, और कैपिटल अब की बार 3 लोगों का आएगा, एक्स वाई और जेड का। अब इसमें अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो अभी जो यहाँ पर बैलेंस कैरेट डाउन निकल कर आया था ना, ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे 1,89,000, फिर उसके बाद आपको लिखना है 76,000, और उसके बाद आपको लिखना है 1,20,000। इन तीनों को हम लोग सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,615, एंड 8,715 और 1,16,218। ओके, सो ये 8 आ गया और ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3,85,000 हो गया। अब उसके बाद आगे कैसे बनाएंगे, एक एक चीज़ को आपको मिलाना है। जैसे सिंडिकेटर, क्या कोई एडजस्टमेंट है सिंडिकेटर पे नीचे, नहीं है तो फिर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंडिकेटर्स, जो उसका एक्चुअल अमाउंट है वही हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। सो सिंडिकेटर का 50, अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो उसके हिसाब से हम इसके फिगर को चेंज कर देते, बट है नहीं। बिल्स पेबल, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर बिल्स पेबल भी लिख देंगे, तो बिल्स पेबल 20,000 का। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं यहाँ पर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है यहाँ पर 10,000 वो लिख देंगे। और एक ध्यान रखना है आपको, एक लाइबिलिटीज़ थी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको आप इसमें जोड़ भी सकते थे, मैं हालांकि अलग से लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक प्रकार का नुकसान था, और लाइबिलिटीज़ भी है जो कि भविष्य में पे करना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसको लाइबिलिटी साइड में भी हम लोगों ने लिखा। अगर आप इन सब को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,70,000, एक साइड आ गया। अब आपके दूसरे साइड भी 4,70,000 ही आना चाहिए, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसमें 30,000 का एप्रिसिएशन हुआ था, मतलब इसके मूल्य में वृद्धि आ गई थी। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप डायरेक्टली 1,30,000 भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में 1,00,000+30,000 दिखाकर लिख सकते हैं। तो मैं फिलहाल लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000 ही लिख देता हूँ। उसके बाद मशीनरी है,
तो मशीनरी में डेप्रिसिएशन हुआ था, आप ध्यान से देखिए 10% का, तो आप लेस डेप्रिसिएशन करके भी दिखा सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 80,000 ले लेता हूँ और उसमें से लेस लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन 10%, 8,000, और ये बाहर आ जाएगा 72,000। इसके बाद फिर स्टॉक है 1,00,000 रुपये का, और स्टॉक के मूल्य में 20,000 की फालतू में वृद्धि हो गई थी, ओवर वैल्यूड था वो स्टॉक, मतलब इसका दाम 80 था लेकिन गलती से इसको हम लोगों ने गलत मूल्यांकन करके 20,000 बढ़ा दिया था। तो अब इसके एग्जैक्ट फिगर पर इसको लेकर आ रहे हैं, तो इसीलिए 80,000 ही करेंगे। डेटर जो 40,000 है उस पर आपको 5% प्रोविजन बनाना है, तो 40,000 में से लेस कर लेंगे हम लोग प्रोविजन 5%। प्रोविजन का मतलब ये है कि ये जो 5% लोग हैं इन लोगों से आप पैसे मिलने की उम्मीद ना के बराबर है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोविजन। एक तरह से मान के चल रहे कि ये पैसा हमारा डूब गया, तो 40,000 में से 2,000 हट गया तो बचा कितना, 38,000। उसके बाद आप देखिए कैश। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, कैश पर ही होती है। हम कैश करते क्या हैं कि 10,000 लिख देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो नया पार्टनर है वो कुछ लेकर आया है, तो आप इसके नीचे कैश एट बैंक भी लिख सकते थे। मैं कैश में ही जोड़ के दिखा देता हूँ। अब मैंने 1,40,000 यहाँ पर क्यों जोड़ा वो आप ध्यान दीजिएगा। जेड 1,20,000 रुपया कैपिटल का लेकर आया था और 20,000 रुपया प्रीमियम का लेकर आया था, तो इसका मतलब जेड 1,40,000 रुपया बिजनेस के अंदर लेकर आया, तो कैश में इंक्रीमेंट हो गई 1,40,000 से, तो इसीलिए कैश मैंने लिखा यहाँ पर 1,50,000। फिर जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,70,000, और बैलेंस शीट आपकी दोनों तरफ मैच हो गई, तो क्वेश्चन आपका सही है। तो आई होप मैंने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में करके दिखाया, तो इससे आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे थे, पहले न्यू PSR, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था, उसके बाद रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया था, फिर हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस कैपिटल का आया उसको हम लोग कैपिटल में लेकर आए, और उसके बाद हम लोगों ने रिवाइज बैलेंस शीट बनाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।